हेलो एवरीवन, वेलकम इन माया ब्यूटी वर्ल्ड एंड मैरी क्रिसमस। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा हेयर पैक शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप अगर लगाते हो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं इससे। ये डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर जैसे विंटर में डैंड्रफ हो जाते हैं, थोड़ी स्कैल्प जो है ड्राई हो जाती है, तो उसमें बिल्कुल इफेक्ट करता है ये। और अगर आपका ऑयल लगाने का मन ना हो तो ये ऑयलिंग का काम भी करता है। तो इसके बनाने के लिए हमें बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बता देती हूँ मैं आपको क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए। हमें एक तो भृंगराज पाउडर चाहिए, ये मैंने अमेजोन से मंगाए हुए हैं, आप भी मंगा सकते हैं, सॉरी फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए हैं मैंने। और सिकाकाई पाउडर चाहिए, आंवला पाउडर चाहिए और नीम का पाउडर चाहिए। और आप इसमें रीठा पाउडर भी डाल सकते हैं, रीठा पाउडर अगर आपके पास में है तो। मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरी स्कैल्प थोड़ी ड्राई हो जाती है रीठा पाउडर से। तो देखिए इसको बना लेते हैं, किस तरह से बनाना है हमें इसे। तो हमें ना एक एक स्पून इन सबको लेना है, आंवला पाउडर को भी 1 स्पून लेना है हमें। मैं डाल देती हूँ और इसको ना बस हमें स्कैल्प पर ही लगाना है हमें, मतलब पूरे हेयर पर, हेयर की लेंथ पर नहीं लगाना है इसको, स्कैल्प पर लगाना है इसे। और विंटर है तो थोड़ा सा ना पानी वानी थोड़ा अवॉइड करना है। पानी हम डाल सकते हैं, थोड़ा डाल सकते हैं। तो मेरे बाल थोड़े छोटे हैं और मैं स्कैल्प पर ही फोकस करूंगी, तो मैं 1 स्पून ही लूंगी। हाँ जी, ये लगभग 1 स्पून हो गया है। 1 स्पून मैंने ले लिया है आंवला पाउडर और 1 स्पून मैं लूंगी सिकाकाई पाउडर। ये देखें, सिकाकाई पाउडर में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपकी स्कैल्प को बिल्कुल क्लीन कर देती हैं। और भृंगराज पाउडर, ये हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हेयर फॉल हो रहा है आपका तो इससे बिल्कुल इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है। तो 1 स्पून मैंने इसमें ले लिया, सॉरी 1 स्पून भृंगराज पाउडर। और उसके बाद में मैं नीम का पाउडर लूंगी। नीम का पाउडर मैंने घर पे बनाया हुआ है, मैं वही पाउडर लूंगी। और नीम के पाउडर से क्या होता है, अगर आपकी स्कैल्प पर कोई एलर्जी वगैरह है तो वो आपकी हट जाएगी और इससे आपका डैंड्रफ भी रिमूव होता है। ये देखें, मैंने ये घर पे बनाया हुआ है तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें नीम का पाउडर। बस मैं यही चीज डालूंगी इसमें और कुछ नहीं डालूंगी। अब इसको जो हमें इसका एक पेस्ट बनाना है, तो पेस्ट बनाने के लिए क्या डालेंगे इसमें, हम ऑयल डालेंगे। क्योंकि हम ऑयलिंग अगर हम नहीं करना चाह रहे हैं तो हम ऑयल को डायरेक्ट इसमें डाल लेते हैं तो सेम इफेक्ट आएगा। तो ये मैंने ना धनिया का तेल बनाया हुआ था, इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, आपने अगर नहीं देखी है तो आप लिंक के थ्रू देख सकते हैं उसको, मैं डाल दूंगी लिंक उसका। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, ये 1 स्पून होगा, 1 स्पून से थोड़ा ज्यादा होगा। तो मैंने इसमें धनिया का तेल डाल दिया है इसमें इस तरह से। और आप इसमें ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं, तो मैं ट्री ऑयल भी डाल रही हूँ, एश्योर का है ये मेरे पास में। तो 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी, शायद 1 चम्मच ना हो पाए क्योंकि थोड़ा ही बचा है मेरे पास में अब। जी हो गया है ये। आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन विंटर है तो कोकोनट ऑयल जो है वो थोड़ा सा जम जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं डाल रही हूँ, निकालना थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी उसमें। और मैं इसमें डालूंगी कैस्टर ऑयल, तो 1/2 स्पून मैंने इसमें कैस्टर ऑयल डालना है। ये मैंने कैस्टर ऑयल ले लिया है। और 1 स्पून मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल है मेरे पास में, मैं वही डाल रही हूँ। आप ओरिजिनल जो होता है लीफ का होता है, नेचुरल प्लांट वाला होता है, वो भी ले सकते हैं। ये मैंने 1 स्पून इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया है। और 2 मैं इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालूंगी कट करके, और इनको मैं मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद में मैं इनको इंस्टेंट लगा लूंगी, और इसको 1/2 या 1 घंटा हम लगाकर हमें छोड़ना है अपनी स्कैल्प पर। उसके बाद हमें उसको धो लेना है, मतलब शैम्पू यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हमें शैम्पू यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल डाला है तो ऑयल निकलेगा नहीं, हमारे बालों में ही चिपक जाएगा, तो इसलिए शैम्पू करना जरूरी है। तो हम शैम्पू कर लेंगे इसके बाद में, मतलब 1 घंटा या 1/2 घंटा जितना आपके पास में टाइम है आप उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर्स को ये कलर प्रोवाइड करे तो आप इसको आयरन के बाउल में जो इसको इस पेस्ट को बनाना और 1/2-1/4 घंटा इसको ढक करके रख देना। उसके बाद में आप इसको क्या कहते हैं अपने बालों में लगाओगे तो आपके बालों को ये कलर भी प्रोवाइड करेगा। जैसे ये भी थिक है थोड़ा सा, इसमें मैं और ऑयल डालूंगी जिससे कि मुझे ये एक स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा। और आप चाहें तो इसमें दही भी मिला सकते हैं, तो अभी थोड़ी ठंडी ज्यादा है इसलिए मैं तो दही स्किप कर दूंगी क्योंकि ठंड लगेगी। तो इस तरह से पेस्ट बनाना है और आपको अपने स्कैल्प पर फोकस करना। मैं इसमें भी और ज्यादा इसमें ऑयल डालूंगी क्योंकि मुझे अपने जो स्कैल्प को ऑयलिंग देनी है। तो इस तरह से आपको पेस्ट बनाना है और पेस्ट बना करके अपने बालों में लगा लेना है। और नॉर्मल वाटर से नहीं धोना है आपको, शैम्पू करना है जो भी आप अपना शैम्पू यूज करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।